हरियाणा की गठबंधन सरकार में गृह मंत्री बने अनिल विज गृह मंत्री बनने के बाद सोमवार को पहली बार अंबाला शहर पहुंचे, जहां विज का नागरिकता अभिनंदन समारोह में जोरदार स्वागत किया गया और विज को तलवार भेंट कर वह पगड़ी पहनाकर सम्मान किया गया। इस दौरान मंच से जनता को संबोधित करते हुए विज ने विरोधी दलों को जमकर निशाने पर लिया। मंच से विज ने एक के बाद एक कई जुबानी हमले विरोधियों पर बोले तो पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह को शर्म करने की सलाह भी अनिल विज ने दी। विज ने कहा कि आज अफगानिस्तान से सबसे ज़्यादा सिख प्रताड़ित होकर भारत आए हैं और ये कैप्टन और सोनिया गांधी के कहने पर उनकी ज़िंदगी नरक बनाने में जुटे हैं। मंच से बरस रहे विज यहीं नहीं रुके। विज ने सरेआम मंच से विपक्षियों को ये चुनौती दे डाली कि सरकार कैंप लगाकर शरणार्थियों को नागरिकता देगी, जिसमें हिम्मत है वो रोक कर दिखाए। मैं हिंदुस्तान के मुसलमानों से पूछना चाहता हूं, आपने भी बहुत पढ़े पढ़े लिखे हुए लोग हैं, काबिल से काबिल आदमी से नागरिकता संशोधन बिल पढ़कर बताइए, अपने मुस्लिम भाइयों को बताइए, हिंदुस्तान को बताइए कि क्या कहीं पर भी उसमें जो हिंदुस्तान में बसे हुए किसी भी धर्म के लोग हैं उनकी नागरिकता छीनने के बारे में लिखा गया है। परंतु झूठा प्रचार, सुबह घर से निकलते हैं और रूट बना लेते हैं कि तू पंजाब में आग लगा दे, तू उत्तर प्रदेश में आग लगा दे, तू वेस्ट बंगाल में आग लगा दे। ये आज कांग्रेस का काम हो गया, लेकिन हिंदुस्तान की जनता इनके मकसद को कामयाब नहीं होने देगी। बहुत सहा है, चुप करके बैठे हैं कि इनको समझ आ जाएगी, लेकिन अब इनको जवाब देने का समय आ गया है। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना कार्यक्रम तय किया है कि 5 तारीख से लेकर 12 तारीख तक हम लोगों को घर घर जाकर समझाएंगे कि नागरिकता संशोधन बिल क्या है और उससे किन को लाभ होने वाला है। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।